subscribe, quick news, press the bell icon and never miss an update. ट्विटर ने अमेरिकी लॉ के उल्लंघन का हवाला देते हुए भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट एक घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर ने बिना नोटिस के उनका अकाउंट ब्लॉक किया, ये नए आईटी नियमों का उल्लंघन है। रविशंकर ने अपने इस ट्वीट के साथ दो स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने वह वजह बताई है जिसके कारण उनका ट्विटर अकाउंट का एक्सेस बंद कर दिया गया था। उन्होंने वह भी स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें उन्हें एक घंटे बाद दोबारा एक्सेस मिल गया और उनका अकाउंट दिखाई दे रहा है। वहीं सूत्रों के हवालों से खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है अगर आईटी मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी पूरे सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। हम ट्विटर को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं भाजपा सरकार अपनी तानाशाही बंद करे। आपको बता दें, इससे पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कुछ नेताओं के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट का ब्लू टिक फिर से बहाल कर दिया। इस मामले में ट्विटर ने सफाई दी है कि जुलाई 2020 से अकाउंट को लॉगिन नहीं किए जाने के कारण ऐसा हुआ है।